सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी करण विश्वकर्मा। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है कंप्लीट ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और आपकी इनर थाई के ऊपर होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अपना मेन सेट हम स्टार्ट करेंगे बारबेल स्क्वाट से। चार सेट में इसमें करूंगा। काफ़ी दिनों के बाद ट्रेन कर रहा हूँ गाइस, बहुत टफ है। बहुत दिनों के बाद इतना वेट ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कितने रैप आ पाते हैं। तो भाई लोगों, 110 केजी पे 3 रैप आ पाए आज। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद लेग्स कर रहा हूँ, तो 3 रैप भी आ गए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अगली जो एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ उसमें मैं सुपर सेट परफॉर्म करूँगा, रोमेनियन डेडलिफ्ट और डंबल सुमो स्क्वाट्स का।
कोई ना कोई बीच में आके वीडियो खराब कर दे रहा है बार बार। सुपर सेट करने में हालत खराब हो जाती है गाइस, स्पेशली लेग्स में। तो सुपर सेट का मेरा ये आखिरी सेट है, इसके बाद हम लोग करेंगे लेग कर्ल्स। अगली एक्सरसाइज हमारी लेग कर्ल्स है। तो गाइज लेग कर्ल्स का ये मेरा आखिरी और चौथा सेट है। तो गाइस अगली जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ वो है सुमो डेडलिफ्ट। Thank you.
तो ये हमारा आखिरी सेट होने वाला है सुमो डेडलिफ्ट का। अगली जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है लेग प्रेस, इसमें भी मैं सुबह सेट करूँगा, एक तो नैरो लेग प्रेस और दूसरा वाइड लेग प्रेस। नैरो में आपके टोज जो है आउटवर्ड रहेंगे, सॉरी वाइड लेग प्रेस में। तो गाइस ये मेरा आखिरी सेट होने वाला है इसका, और अगर आप लोग भी अपने लेग्स को एक अच्छी शेप और एक साइज़ देना चाहते हैं तो इस वर्कआउट को अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं आप 12 हफ्तों के लिए, 12 से 15 हफ्तों के लिए। डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेगा, और डाइट का भी एक मेन रोल रहता है, तो डाइट भी आप लोग फॉलो करना, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, और दूसरा ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। तो ये वर्कआउट आप लोग अपने वर्कआउट शेड्यूल में जरूर ऐड करें, आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। तो अगली जो एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ वो है हिप थ्रस्ट, और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इसे कहा जाता है, एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ के भी बेनिफिट्स हैं इसके। तो लाइट वेट मार रहा हूँ इससे मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, और सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर कोई मेरा पार्टनर है नहीं जिम पे जिससे कि मैं वेट लिफ्ट करवा सकूँ, और हर कोई हैवी लिफ्ट करके रख नहीं पाता है, तो इसलिए लाइट वेट कर रहा हूँ।
माइक बंद हो गया था। तो आज के वर्कआउट का आखिरी एक्सरसाइज थी हमारी है, इसी के साथ वर्कआउट को ख़त्म करते हैं यहीं। और आप लोग भी अपने वर्कआउट में इस ये एक्सरसाइजेज ऐड कर सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो में और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।